हरियाणा में शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जहां पंजाब के किसान जो है धरना दे रहे हैं और दिल्ली जाने के लिए सड़कों पर डटे हैं, वहीं आज हरियाणा में चरूनी ग्रुप द्वारा 2 घंटे का जाम आहूत किया गया था, जिसके तहत कैथल में भी 2 घंटे के लिए तीतरम मोड़ पर किसानों ने, चरूनी ग्रुप ने जो है जाम लगाया है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, कैथल की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, किसानों ने उसको गाड़ियाँ और बैरिगेट्स खड़ी करके और खुद भी जो है सड़क पर बैठे हैं उसको जाम कर दिया है, जिसके कारण कैथल शहर की तरफ आने जाने वाले वाहन यहाँ से नहीं जा पा रहे और लोगों को परेशानी भी हो रही है। और हालांकि प्रशासन ने जो है प्योदा रोड से ही वाहनों को जो है रूट डाइवर्ट किया हुआ है और पुलिस कर्मचारी वहीं से जो है वाहनों को दूसरे रास्तों से भेज रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं पुल के ऊपर से, जहां से वाहनों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी है पुल के ऊपर से, और जींद की तरफ आगे भी जो है वाहनों की निर्बाध रूप से आवाजाही जारी है। कलायत की तरफ भी जाम नहीं है और इधर से बाईपास से चंडीगढ़ की तरफ भी कोई जाम नहीं है, केवल कैथल जाने वाला रास्ता जाम है। हम किसानों से भी बात करते हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है? नाम आपका? विक्रम, किसान एडवोकेट। किस डिमांडों को लेकर आज यहाँ बैठे? जो कल जो MSP का आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया था, ये मांग तो पूरे देश के किसानों की थी और देश के प्रधानमंत्री ने ये वादा खिलाफी भी किसानों के साथ की थी। आंदोलन के बाद MSP कमेटी तो बना दी, लेकिन उस MSP कमेटी के 3 साल तक सड़कों में घूम रहे, जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट घूमती रही, और उसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में कल दाता सिंह वाला बॉर्डर पर टकराव हो गया। वहाँ पर हमारा एक नौजवान साथी शुभकरण, जो 20-21 साल का मात्र था, उसको गोली लगने से उसकी शहादत हो गई है। उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने 2 घंटे का जिला स्तर पर 1-1 करोड़ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उसके रोड शो ग्रुप सड़कें जाम किए। किसान जी बताइए कि पंजाब के किसान उठ करके आ गए, हरियाणा के किसान जो है अभी तक पशुपेश में है, आंदोलन में जाएं ना जाएं, कारण क्या है? देखिए, कारण ये रहा कि 2 किसान संगठनों ने ये आंदोलन शुरू किया पंजाब में। SKM जो है, हम तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी SKM में भी नहीं है, उन्होंने SKM के साथ भी विचार विमर्श नहीं किया और उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में किसान खड़े हो गए। अब बार बार हरियाणा के किसानों को कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में, आम किसान तो कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में आए, जबकि आम हरियाणा का आंदोलन में किसान जा भी रहे, लेकिन जो वहाँ का नेतृत्व है वो एक बात कह रहा है कि हमें मतलब हरियाणा के लीडर की, हरियाणा के संगठनों की जरूरत नहीं है। जैसे कि तो फिर हरियाणा के किसान क्यों बैठा? वो कह रहे हैं, और वहाँ जो आम जन, आम किसान है, वो कह रहा है कि हरियाणा के किसानों के बगैर आप ये खिलाफतें नहीं कर सकते, आप ये बैरियर भी नहीं तोड़ सकते। तो उसके लिए जो किसान संगठन है, इन्होंने एक समन्वय बनाया खापो ने और किसानों ने, और उसने कहा कि बेशक हमें कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन किसान के दर्द में, और ये मांग कल पंजाब की भी नहीं है, ये मांग पूरे देश की है। तो इसको लेकर 2-3 दौर की बैठक भी चली, 2-3 दौर के प्रोग्राम भी हो चुके हैं। अब कल फिर एक आपातकालीन बैठक किसान संगठनों की बुलाई गई है और इसमें जिस तरह से भी वो फैसला लेंगे, उस फैसले के अनुसार फिर हरियाणा के किसान जिस तरह से अब कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे बढ़ने का काम करेंगे। हाँ जी, महावर जी, आज का क्या कार्यक्रम? क्या देखिए, आज तो एक नौजवान युवा किसान की बड़ी हत्या कर दी गोली मारकर, उसका शोक व्यक्त कर रहे हैं सारे हरियाणा में, सभी जिलों में कहीं ना कहीं रोड जाम है। इस दुखद भरी घटना में भगवान उसके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, यही कह सकते हैं हम तो। इसके आज की, इसके बाद का क्या हरियाणा के किसानों का, जो आपका गुट है चरूनी, उसका क्या वो रहेगा इसके बाद? हरियाणा के किसानों में आज की हाल देख कर बहुत दुख है और पंजाब के किसानों के साथ है। आज और कल में कोई नई रणनीति बनेगी, ये तो सरकार सभी मांगे मानेंगी नहीं, ये बैरिकेड तोड़े जाएंगे और लोग दिल्ली जाएंगे किसान। आपके ही गुट के कुछ किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब के जो किसान नेता हैं वो हरियाणा के कहते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है नेताओं की, ना हरियाणा के नेता का सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है, कोई प्रतिनिधिमंडल है। देखिए, वो उनकी गलती थी, पंजाब के किसानों की गलती थी जो नहीं बुलाया, तरह तरह की बातें करते हैं, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी आदेश आएगा आज और कल में रणनीति बनेगी, जो भी पंजाब के किसान रणनीति बनाएंगे और जो फैसला लेंगे उस फैसले में भागीदार होंगे हरियाणा के भी और पंजाब के किसान और खापे भी। किसी भी किसान या मजदूर पे सरकार गोली चलाएगी तो ये ना समझे कि वो संगठन नहीं आया। आम किसान के दिल में दर्द है, आम किसान आने से नहीं रुकेगा। जब हरियाणा के किसानों की पंजाब की लीडरशिप पूछ नहीं कर रही और किसानों की शरण में हरियाणा किसान फिर भी खड़ा है, फिर क्यों जाम लगा रखा है? देखो, जो किसान लोग है ना, किसान लोग तो जा रहे हैं बॉर्डर पर हरियाणा के, बहुत भारी संख्या में 10-15 हज़ार है, और जाम तो इसलिए लगा रखे है, जो हमारा वहाँ किसान साथी है शुभकर्ण बठिंडा से, जो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने गोली मार के उसकी शहीदी कर दी, तो उसके रोष प्रदर्शन में करे हरियाणा तो साथ दे रहा है।
मगर वहाँ जो बॉर्डरों पे नेतृत्व बैठा चाहे हरियाणा का चाहे पंजाब का, वो हरियाणा को नेतृत्व को आमंत्रित नहीं कर रहा। नहीं हरियाणा पंजाब की कोई लड़ाई नहीं है कि भाई नेतृत्व की पंजाब कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू कश्मीर कर लो, हिमाचल कर लो, दक्षिण की कोई स्टेट कर लो, तो मैं कोई किसी जाति बिरादरी का धर्म का कर लिया हमने कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है नेतृत्व करना तो नहीं आ रहा, जो पब्लिक है मैं जा रहा हूँ वहाँ, मैं किसी नेता करके थोड़े जा रहा हूँ, मेरा गांव में 50 छोरे जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो उड़े जा रहे होंगे, मतलब हजारों आदमी जा रहे होंगे, वहाँ किसी तो पूछ के थोड़े जाएंगे, किसी नेतृत्व में थोड़े जाएंगे, किसानी का दर्द खातर जा रहे हैं, मगर उनका वहम नहीं हो रहा भाई लोग मारा खातर आवे हैं, वो इसलिए बंदे मारे जा रहे हैं। तो फिर जब लीडरशिप संतुष्ट नहीं है तो लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? लीडरशिप संतुष्ट हो जाएगी, माँ का लाल खुवा दिया, बंदा मरवा दिया, लोग उनका मारेंगे लठ, अब बेइज्जती करा के माटी कटवा के, भी तो अकला ही भी तो मोर्चा इकट्ठा होने लग रहा है, अब चंडीगढ़ में मीटिंग है, अब भी तो करेगा, अब कह दिया भाई इनका कमजोर नेतृत्व इन पे नहीं समझा, संयुक्त किसान मोर्चा ना गाना पड़ा। लड़ाई तो सबकी है, एक थोड़े ठेकेदार में मैं कथल का ठेकेदार थोड़े बन जाऊंगा, मैं मेरा गांव का ठेकेदार थोड़े बन जाऊंगा, जब लड़ने की हिम्मत नहीं है, दम नहीं रखता कहेंगा, जब दिल्ली कॉल दे रखे 11 बजे उनका बैरियर टूटेंगे, आधा घंटा बाद से मीटिंग कर रहे हैं, अरे तू कबरी एड दिल रखा है, दम नहीं है तेरा दिल्ली जाने का, कॉल दे भला क्यों रहा है, जब मैंने कॉल दे दी कैथल माँ जियो, अब यहाँ का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उरा कौन प्रशासन टोक देगा, हमारी जिम्मेवारी है, उरा कौन हल जाएगा, यहाँ तो हम बात जाएंगे क्यों, लाठी मारा 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 पहला आ हम करेंगे जो कुछ करेंगे, अब से बात डीसी तय करनी है, मीटिंग करूँ मैं तीतरम थाना में, यू कोई तरीका है, उरा पब्लिक ने मरवाना लग रहा है।